उधर फरीदकोट के एक निजी नर्सिंग कॉलेज के कुछ कश्मीरी विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों ने प्रबंधकों से गंभीर इल्जाम लगाए ने ते प्रिंसिपल नूं बदलन की मांग की है। धरना दे रहे कश्मीरी विद्यार्थियों ने दस्या है कि 15 तरीक नूं उन्हां दा पेपर सी पर प्रिंसिपल ने पेपर च बैठन तो रोक दिता ते उन्हां नूं लैक्चर शॉर्ट दस के प्रति लैक्चर 500 रुपए के हिसाब नाल 70-80 हज़ार रुपए प्रति विद्यार्थी जुर्माना लगा दिता। दूजे पासे जदों कॉलेज दे एमडी डॉक्टर मनजीत सिंह नाल गल की गई तो उन्होंने कहा कि 70 चो 15-16 विद्यार्थियों के ही लैक्चर शॉर्ट ने। उन्होंने कहा कि प्रबंधक कमेटी उन्होंने नाल गल कर रही है ते कोई ना कोई हल कढ दिता जाएगा। हमारे जो सीनियर्स हैं इनका पेपर था 15 तारीख को, जो कि प्रिंसिपल मैम है यहाँ पे, उन्होंने इनको बताया कि आपकी फ़ाइन है, शॉर्टेज है अटेंडेंस में 70-80 हज़ार तक पर स्टूडेंट का, 500 हज़ार पर डे का मांग रही है वो। आप मुझे बताओ ये किस कॉलेज का रूल है कि दिन का वो 500 मांग रहे पर लेक्चर का, जबकि पर लेक्चर का 10 या 20 रुपये होते हैं। हमने वही इनसे कहा कि अगर आप ले रहे हो फाइन 10 या 20 रुपये लो, इनके पेपर्स भी हमारे पूरे मिस हो गए। तो जब उसके बाद हमने इनसे रोल नंबर सिर्फ मांगी, इनके पैर पकड़े हमने, लेकिन इनने रोल नंबर सिर्फ हमें इशू नहीं की। जगह ही फाइन तो होंगे ही, जो बच्चा नहीं आता दो तीन तीन महीने यूनिवर्सिटी के रूल मुताबिक सबू चलना ही पैना है, तो इस करके उन्होंने फाइन पाया गया। बाद चो बच्चे कहते भी असी फाइन नहीं देना, असं पेपर भी नहीं देना, इस करके सैकंड पेपर फिर असी उन्होंने अलाउ करता। असं क्या ठीक है, वो कहते साड़ी डिमांड आ कि साढ़े तो कश्मीर वाले बच्चे तो कोई किसी तरह का फाइन ना ले जाए। कुछ भनतोड़ भी की? हाँ, बच्चों ने कुछ, सानू लगता कुछ इन कुछ होर तत्थ भी है जेडे कुछ अदर स्कूलों तो बच्चों ने थोड़े बहुत सीसे तोड़ने की कोशिश की है। तो अज बच्चों ने बैठ के मीटिंग कर रहे, यही सवाल कर रहे हैं कि है। हलका पुलत के पिंड बागड़िया च कबड्डी कैच चैंपियनशिप करवाए गए, जिस कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के मुख्य मेहमान वजो श्रोमणी कमेटी के प्रधान डी बी जगीर कौर ने शिरकत की। उन्होंने नौजवान खिडारियों का हौसला भी बढ़ाया। हलका पुलत के पिंड बागड़िया च कबड्डी चैंपियनशिप करवाई गई, जिस कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के मुख्य मेहमान वजो श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने शिरकत की। उन्होंने नौजवान खिडारियों का हौसला भी बढ़ाया। बहुत वड्डा जो कबड्डी का चैंपियनशिप हो रहा है, मेरा ख्याल के रिकॉर्ड टुट गए है। 2 साल का लोगों ने बहुत संताप हो गया, जिथे करोना की बीमारी का संकट सी उधर सब तो वड्डी जी किसानों का मोर्चा लगा सी। अज मैंने इस तरह लगता कि 2 साल बाद किसानों के मोर्चे की जित हो करके एड्डी बड़ी खुशी है, जिथे किसानों की जित की खुशी है उत्थे खेड के मैदान में अज वड्डियां रौनक आई हैं। बहुत वड्डा ये इकट्ठ जिहड़ा ये साढ़े बलविंदर सिंह काला बागड़िया सरपंच साहबान सारे इलाके के पदों से सज्जन खिडारियों ने बड़ी मेहनत की है, तो वे वे खिडारी बुलाए, मैं सबनों बधाई दिनी है। तो मैं आस करांगी कि इस तरह सदा एकता रह के चढ़ती कला के नाल अपने इलाके की शान बन, तो खिडारी जड़े है वो हमेशा नशिया तो मुक्त हो, चढ़ती कला के नाल अपनी जिंदगी दे विच कामयाबियां लैन। संगरूर दे लहरा गागा च गोयल राइस मिल च घटिया किस्म के चौल लगाए जान तो राइस मिल मालिक परेशान ने। राइस मिल मालिक का इल्जाम है कि उन्होंने तिने शहरों च परेशान करने की नीयत नाल चौल समर्था तो घट लगाए जा रहे हैं, तो हुण घटिया किस्म के चौल भेजे जा रहे हैं जो कि पूरी तरह गलत है। जिवें ही चौलों तो परे ट्रक शहर च आए तो उन्होंने जांच लिए भेजा गया, खराब होने कारण इसकी शिकायत मार्कफेड नूं की गई तो मौके पर मार्कफेड के अधिकारी पहुंचे। गोल राइस मिल के मालिक ने दसिया कि जानबूझ के उन्होंने परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सैलर मार्कफेड न संबंधित है, तो राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असी कई बार शिकायत भी की हुई है लेकिन कोई साड़ी सुनवाई नहीं कर रहा। जो बची हुई जीरी है माड़ी जीरी है, पहले इन्होंने 3 ट्रक साढ़े इतने भेजे कल जने परसों, वो बिल्कुल माड़े सी, वो असी वापस करते। फिर इन्होंने वो ट्रक उन्होंने ट्रक ऑपरेटर तो लिखा कि भी असी 3 दिन गोयल राइस मिल के खड़े रहे पर साढ़े ट्रक उतरवाए नहीं गए, तो दूजे सैलर उतर गए। ये हुण अपनी जान बचाउण दे लई एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, माड़ी जीरी साढ़े सैलर के भेज के असी लाउनी नहीं। सर जो गड्डिया लहाँ लगे गोयल राइस मिल के मालक, तो इन्होंने मैनू फोन किया भी ये जो माल हैगा गलत आ रहा है, भी डैमेज माल हैगा। मैं एट ए टाइम ही मतलब उत्थों ब्रांच के सैलर पहुँचा, जदों कि यह माल आ बिल्कुल गलत है, ये साड़ी परचेज किया हुआ माल नहीं है,
मैं मनजीत सिंह नाल गल की जो परचेजर आ चूलड़कला मंडी दे विच वह कहिंदा मैं ये परचेज किया नहीं। ये बिल्कुल सही है भी उन्हें परचेज नहीं किया माल, ये आड़ती ने ही जानबूझ के परचेज किया गा। ये जो बनती कार्रवाई हैगी वह असी जिला दफ्तर जाके DM साहब नूं मिल देंगे वह करांगे। अगे श्री फतेहगढ़ साहब च छोटे साहबजादिया की लासानी शहादत नूं समर्पित कबड्डी एसोसीएशन वालों नैशनल स्टाइल लीग चैंपियनशिप करवाई गई जिस विच 8 टीमां ने हिस्सा लिया। इसका उद्घाटन कबड्डी एसोसीएशन फतेहगढ़ साहब के प्रधान इंद्रजीत सिंह संधु ने किया। इस मौके मुख मेहमान वजो पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के हल्का फतेहगढ़ साहब के इंचार्ज जगदीप चीमा ने कहा कि नौजवानों को कबड्डी नाल जोड़न दे लई पंजाब कबड्डी एसोसीएशन वालों उपराले किए जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों अकाली सरकार समय कबड्डी नूं कखां तों लखां तक पहुंचाया गया है। नौजवान चाहिए जी गां टूर्नामेंट वध तों वध होण जी उपराले चाहिए जी जो कि आने वाले जी छोटी जन बच्चे जी गां तों गां खेडां वल जाण नशियां तों मुक्त होण जी। जिला कबड्डी एसोसीएशन द्वारा एक कबड्डी लीग टूर्नामेंट कराया गया सवेर तों लैके शाम तक वख-वख जिले तो जिहड़ियां टीमां ने उन्होंने इस पार्टीसपेट किया और मैं धन्नवाद करदा जिला एसोसीएशन की समुची टीम का अगे तो भी महाराज की बख्शिश रहेगी इस तरीके जिहड़े टूरनामेंट ने ये एसोसीएशन करवाउंदी रहेगी भी ये जिहड़े मैच ने आने वाले समय के नौजवान पीढ़ी नूं मतलब नशियां तो दूर रखणगे ते साडे जिहड़े पंजाब की धरती जिहड़ा नां है भी वह नैशनल खेड के जां वर्ल्ड लैवल ते खेड के पंजाब का नां रोशन करनगे। मैं सारिआं दा अज के समय च हर एक की सोच हुंदी है कि उन्हां दा बच्चा किसी वधिया प्राइवेट स्कूल विच पढ़ाई करके किसी चंगे अहुदे तक पहुंच सकता है, पर इस दे उलट ये दसन दे मकसद नाल कि सरकारी स्कूल दे पढ़े लोग वड्डे अहुदियां ते पहुंच सकते हैं। हल्का लंबी दे पिंड सरावा बोदला की वेलफेयर एसोसीएशन संजम ऑफ सरावा बोदला वालों पिंड के सरकारी स्कूल विच पढ़ के अहुदियां ते खेडां च नां कमाउण वाले इसे पिंड दे लोकां नूं सन्मानित किया गया। नवी पीढ़ी नूं जाणू करवाउण दे मकसद दे नाल इह विशेष समागम करवाया गया जिस विच मुख मेहमान वजों प्रसिद्ध लेखक अते पत्रकार डॉक्टर गुलजार सिंह संधू ने विशेष तौर ते शिरकत कीती। इस पिंड दे वसनीक खेड जगत अवार्डी कुलदीप सिंह ने दस्या कि सरकारी स्कूल चों पढ़ के इनाम माण मिलिया ते नवी पीढ़ी तों उम्मीद प्रगट कीती कि ओह तरक्कियां करके होर पिंड दा नां रोशन करन। जो इत्थे दा इत्थे दे स्कूल दे बच्चियां ने तरक्की कीती है किसे होर पिंड दे स्कूल दे बच्चियां ने इन्नी तरक्की नहीं कीती ना बैंकिंग च ना फौज विच ना हेल्थ विच ना एजुकेशन विच। ये जिहड़ा इस मिट्टी दी विची है कोई शक्ति जिहदे नाल के इत्थे दे पढ़े हुए जिहड़े बंदे ने ना किते दी किते पहुँच गए। बहुत मैनूं अच्छा लग्गा इत्थे आउणा। साडे पिंड दे विच 1953 तों हाई स्कूल चलिया आ रहा है जदों कि नेड़े तेड़े कोई स्कूल हाई स्कूल नहीं सी और 16 पिंडां दे बच्चे इत्थे पढ़न आउंदे सी और उस समय जिहड़े भी साडे टीचर साहिबान सी जां साडे मुख अध्यापक सी बड़े मेहनती सी लगन नाल उन्होंने काम करके सहूलतां ना होने के बावजूद भी उन्होंने इन्नियां उपलब्धियां जिहड़ियां इन्नियां मल्लां मारियां हन ये सारिआं वास्ते माण दी गल है। सरकारां नूं तां इस इहो ही चाहुंदे आ कि अच्छे बच्चिआं नूं अच्छी सर्विस दित्ती जावे और उन्होंने फैसिलिटी दी जाए पिंडों के अच्छे अच्छे कोच लाए जाए उन्होंने इक्यूपमेंट वगैरह अच्छे दिए जाए गां एशिया लैवल वर्ल्ड लैवल इंप्रूवमेंट होगी।